जो कि मेरा सबसे पहला सीक्रेट है। 2014 में अगर मैं ऐसे ही सोचता तो क्या होता मेरे साथ। मैं देखता कि अरे टॉप यूट्यूबर्स जो है TVF AIB क्या बढ़िया कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं। ऑन द पैनल टुनाइट फिल्म राइटर मिस मीनाक्षी लेखिका फ्रॉम द रासर रैंडम कैंप। मुझे इन जैसा बनना है, मैं भी इनकी तरह यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियोस बनाना चाहता हूँ। सो ओके दोस्तों, अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं या आपने पहले से कोई प्लान कर रखा है एक नया यूट्यूब चैनल और आप ये चाहते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर किसी दूसरे की वीडियो को यूज करके पैसा कमाऊं, और ऐसी कंडीशन में काफी सारे लोग काफी सारी वीडियोस उठा उठा के अपने YouTube चैनल के ऊपर डालते हैं। कुछ YouTube चैनल्स मोनेटाइज होते हैं, कुछ YouTube चैनल्स मोनेटाइज नहीं होते। तो इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा, जैसे कि आज के टाइम में यहाँ पर एक ट्रेंड चल रहा है दोस्तों ध्रुव राठी को लेकर, ध्रुव राठी की काफ़ी सारी वीडियोज़ काफ़ी सारे लोग अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, मैंने भी काफ़ी सारी वीडियोज़ के अंदर ध्रुव राठी की वीडियो को यूज़ किया है, और कितना यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया है, और किस तरीके से आप भी अगर चाहें तो ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर यानी जैसे ध्रुव राठी के टॉपिक के ऊपर किसी भी वीडियो को डाउनलोड करके बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं, मतलब अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन फ्यूचर प्लानिंग के लिए ये है कि फ्यूचर में अगर आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर शायद कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो इससे बचने के लिए मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें रिकमेंड करूँगा, काफ़ी सारे तरीके बताऊँगा। तो वीडियो में आपको जान लेना है, वीडियो को आपको अच्छे से ध्यान से समझना है। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल यूट्यूबर की वीडियोज़ को देख कर ये समझ जाओ कि यहाँ पर हाँ कॉपीराइट कॉन्टेंट हम यूज़ नहीं कर सकते। तो आज जैसे आप समझते हैं कि यहाँ पर ध्रुव राठी के बारे में काफ़ी सारी वीडियोस बन रही हैं, काफी सारे मीम्स भी बन रहे हैं, काफी सारे लोगों ने उनकी वीडियोस को अपने पुराने यानी ओल्ड यूट्यूब चैनल के ऊपर यूज किया है, और काफी सारे यूट्यूबर्स आज के टाइम में ये सोच रहे हैं कि हम एक नया यूट्यूब चैनल बना लें और फिर उसके ऊपर ध्रुव राठी की वीडियो को अपलोड करेंगे। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसमें काफी सारी कंडीशंस होती हैं। मान लो हम किसी की डायरेक्टली वीडियो उठा लेते हैं, मैं यहां पर अपने वीडियो का एग्जांपल लेता हूं। जैसे आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं ऐसा सोचता हूं कि हाँ मेरी वीडियो को किसी ने डाउनलोड कर लिया है, और कर लिया होगा मतलब अपने YouTube चैनल के ऊपर किसी ने डाउनलोड करने के बाद में मेरी वीडियो को अपलोड कर दी अपने YouTube चैनल के ऊपर, तो मेरे चैनल की सेटिंग के अंदर मतलब मेरे चैनल के YouTube स्टूडियो के अंदर मुझे मेरे कॉपीराइट मैच टूल में पता लग जाएगा कि किसी व्यक्ति ने मेरी वीडियो को 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट या जितनी कंप्लीट वीडियो है मतलब कितने कितने परसेंट यूज़ कर लिया है अपने चैनल के ऊपर। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 100% कॉपीराइट मतलब वीडियोज़ को डायरेक्टली पूरा उठाकर पूरा अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसके पार्ट वाइज वीडियो को कटिंग करके अपनी वीडियो के अंदर डाउनलोड करने के बाद में उसको एडिट करके अपने यूट्यूब चैनल की वीडियो में यूज़ करते हैं और अपलोड कर देते हैं अपने किसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर मैं आपको एक कंडीशन बताता हूँ दोस्तों, जैसे मेरी ये वीडियो है, इस वीडियो को आपने उठाया अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया डायरेक्टली, तो यहाँ से तो मेरे दिमाग में अगर आती है कि 48 घंटे बाद या 10 घंटे के बाद में या 1 महीने के बाद में मेरे सामने आपकी वीडियो आ जाती है कि आपने मेरे वीडियो को अपने चैनल के ऊपर यूज़ कर रखा है, तो कितने परसेंट यूज़ कर रखा है, किस तरह से आप इसको अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे हो, तो मैं तो आपको कुछ नहीं बोलूँगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं यहाँ पर किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक वगैरह दूँ। काफ़ी सारे लोगों ने मेरी वीडियो को अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखा है, मैंने आज तक किसी को भी कॉपीराइट स्ट्राइक दिया ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात आती है दोस्तों, एग्जांपल आप ध्रुव राठी की वीडियो उठा लेते हो, ध्रुव राठी की वीडियो उठाने के बाद आप पूरा कंटेंट अपने चैनल के ऊपर डाल देते हो, तो यहाँ पर ध्रुव राठी के दिमाग की बात है कि अगर उन्हें लगता है कि ध्रुव राठी के खिलाफ है ये वीडियो, या ध्रुव राठी ने इस वीडियो को चाह के मैं यहाँ से इसको डिलीट कर दूँ, वो वीडियो हो सके ध्रुव राठी को नुकसान पहुँचाने वाली हो, तो ध्रुव राठी आपकी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक भेज सकता है, आपकी वीडियो को डिलीट करा सकता है YouTube से। लेकिन अगर ध्रुव राठी ये सोच कितने भी लोग मेरी वीडियो को यूज कर रहे हैं, चाहे अनलिमिटेड लोग करें यूज, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेना देना नहीं है, तो वो वीडियो आपके YouTube चैनल के ऊपर पड़ी रह सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर मान लो आप मेरी 100% वीडियो अपने YouTube चैनल के ऊपर डालते हो या ध्रुव राठी की वीडियो भी आप अपने YouTube चैनल के ऊपर डालते हो, तो जब आपके YouTube चैनल के ऊपर 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे, तो बाद में आपका YouTube चैनल चेकिंग के लिए जाता है, अंडर रिव्यू में जाता है मोनेटाइजेशन ऑन होने के लिए, तो उसके बाद में आपकी वीडियो को देखा जाता है YouTube एल्गोरिथम मशीन के द्वारा के यहाँ पर रोबोटिक तरीके से सब चेक होता है, किसी की वीडियो को यूज तो नहीं किया है, तो कॉपीराइट वीडियो को यूज करने के बाद में आपके YouTube चैनल को YouTube एल्गोरिथम मोनेटाइज नहीं करेगा, तो इससे ये सबसे बड़ा लॉस है।
यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। मान लो मैं किसी की वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल के ऊपर डाल देता हूँ और वो सामने वाला व्यक्ति मेरे को कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं देता है, मतलब कोई मुझे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, तो यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब आगे मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अंडर रिव्यू में जाएगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को फाइनली यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा मोनेटाइजेशन से। तो ऐसे वीडियोज़ को अपलोड करने से फ़ायदा ही क्या है दोस्तों, जिस चैनल पे जब मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होगा और उससे एक रुपये की भी अर्निंग नहीं हो सकती, तो हम ऐसे चैनल के ऊपर काम करके क्या करेंगे। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर आप किसी की मान लो ध्रुव राठी की आधे घंटे की वीडियो आपने डाउनलोड की और आप उसको कितना मतलब उसको पार्ट वाइज अगर यूज़ करना चाहते हैं अपनी वीडियो के अंदर, जैसे आपने 5 सेकंड का कोई ध्रुव राठी का क्लिप यूज़ कर लिया अपनी वीडियो के अंदर, या 10 सेकंड का कर लिया, या आपने उसको 5 मिनट का यूज़ कर लिया। लेकिन यहाँ पर वही कंडीशन आती है जो मैंने एक पिछली वीडियो में बात करी थी, जो भी कॉपीराइट कंटेंट आप अपने वीडियो के अंदर यूज़ करेंगे तो फ्यूचर में आपका वो यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा 100%। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है, लेकिन कितने परसेंट आपको यूज़ करना है अपनी वीडियो के अंदर उस कॉपीराइटेड वीडियो को दोस्तों, 20% आप कोई भी कंटेंट यूज़ कर सकते हो अपनी किसी भी वीडियो के अंदर। बाकायदा आपका जो कंटेंट है 80% कंटेंट खुद का आपका होना चाहिए, उसके आधार पे आप अपलोड कर सकते हो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर और उसी के आधार पे आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो बहुत सारे लोगों को मैंने यहाँ पर देखा है कि काफ़ी सारे लोग पूरी वीडियो को उठाकर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर नए यूट्यूब चैनल बनाकर ध्रुव राठी की वीडियो को डाउनलोड करके अपलोड कर रहे हैं, तो उनके यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं होने वाले हैं। तो उनका जब कोई बेनिफिट ही नहीं होगा वीडियोस डालने का उनके YouTube चैनल के ऊपर, तो ऐसे YouTube चैनल के ऊपर काम करने का फ़ायदा ही क्या है। तो यहाँ पर मैं टेक्नोलॉजी के बारे में या किसी ऐसी मोटिवेटेड वीडियोस के बारे में आपको रिकमेंड करता रहता हूँ कि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है दोस्तों इन चीज़ों पर ध्यान देना। कोई भी वीडियो उठाकर हम भी अपने YouTube चैनल के ऊपर डाल सकते हैं या किसी अदर YouTube चैनल के ऊपर डाल सकते हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, हम ऐसा काम करते ही नहीं है जिससे हमें कोई बेनिफिट ना हो या जिससे हमें लॉस ही हो जाए। तो बिना बेकार के काम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप किसी का कॉपीराइट कंटेंट डाउनलोड करके अपने वीडियो के अंदर सिर्फ 20% यूज़ करते हो और बाकी का 80% अपना कंटेंट रख के उस कंटेंट को 100% तैयार करके अपने YouTube चैनल के ऊपर अपलोड कर सकते हो और आसानी से पैसा कमा सकते हो, तो दोस्तों फ्यूचर में आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी की कंप्लीट वीडियो उठाकर अपने YouTube चैनल के ऊपर कंप्लीट अपलोड कर दोगे तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, 99% आपको यहाँ पर आपकी YouTube चैनल डिलीट होने का खतरा बन जाता है, तो इस चीज़ को आप अवॉइड करें, इस चीज़ पर आप बिल्कुल भी ध्यान न दें। किसी का कॉपीराइट कंटेंट अगर आपको डाउनलोड करना है और अपलोड करना चाहते हैं अपनी वीडियो के अंदर यूज करने के लिए किसी भी पर्पज से, तो सिर्फ आप उसको 20% यूज करें और बाकी का जो 80% कंटेंट है वो आपका ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने उसकी परसेंटेज घटा दी, मतलब आपने 50% उसका रख दिया और 50% अपना रख दिया, तो भी वही कंडीशन होने वाली है, सिर्फ 20% अदर का और बाकी का 80% आपका ही होना चाहिए। इससे आपका YouTube चैनल सेफ भी रहेगा और फ्यूचर में मोनेटाइज भी होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर देना, क्योंकि मैं हमेशा आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी और यूनिक इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। सो मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।